हरे कृष्ण। तो मंच को उपस्थित सभी भक्तगण और आप सब श्रद्धालुगण को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। आप लोग बधाई के पात्र इसलिए हैं कि इस भागम भाग की दौड़ की जिंदगी में आपने समय निकाला इस गीता जैसे विषय को समझने के लिए, जिसके लिए लोग आज तैयार नहीं हैं। और धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि आपने मुझे विशेष रूप से हर प्रवीण का, जिन्होंने मुझे आप सबकी सेवा करने का मौका दिया। तो गीता जी पे चर्चा चल रही है तो मैं संक्षेप में बड़ी सार जो मैंने समझा है गीता को अपने गुरुजनों के माध्यम से, गीता एक शिक्षा है, गीता एक ज्ञान है। और शिक्षा या ज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है, हिंदू को भी है, मुस्लिम को भी है, ईसाई को भी है। प्रत्येक जीवात्मा को ज्ञान की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा को कभी भी हमें धार्मिक भावनाओं में बांध करके नहीं देखना चाहिए। और गीता जैसी शिक्षा जो कि शास्त्रों में इसका प्रमाण है कि कलयुग 4,33,000 साल का है, अभी कलयुग का शुरुआत हुआ है, यानी अभी केवल 5,000 साल वर्ष बीते हैं। यानी भगवद गीता के विषय में शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवद गीता का वर्णन या जो ये शिक्षा या ये ज्ञान जो हमको दिया गया वो 5,000 साल पूर्व दिया गया। और ये भगवद गीता में जब 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये ज्ञान दे रहे थे, तो उस समय न कोई संसार में ईसाई था, न कोई बौद्ध थे, न कोई मुस्लिम था, न हिंदू थे। वास्तव में हम सब सनातन धर्मी हैं, हम सारे के सारे लोग सनातन। सनातन शब्द का मतलब है जो हमेशा से है और हमेशा रहे। तो ये सनातन शिक्षा है श्रीमद् भगवद गीता में, जिसको बहुत सरल करके हमारे पद्मश्री अनवर जलालपुरी जी ने बहुत सरल भाषा में इसको हम लोगों को दिया, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति इसको पढ़ सके, समझ सके, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, और इस ज्ञान का लाभ उठा सके, इस शिक्षा का लाभ उठा सके। कई बार धार्मिक भावनाओं में बंध करके हम अपने आप को इतना संकीर्ण कर लेते हैं कि हम उसको समझना ही नहीं चाहते, जबकि ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को 5 विषय समझाए हैं, और इन 5 विषयों को 18 अध्याय और 700 श्लोकों के अंदर विस्तार पूर्वक समझाया गया और डिस्कशन किया गया। तो इन 5 विषयों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे, जिससे कि आप लोग भी इसका लाभ ले सके। इन पांच विषयों की चर्चा करने से पहले मैं आप सबसे एक परमिशन चाहता हूं कि मैं जो चर्चा करूं वो सत्य बोलूं या जो आपको अच्छा लगे वो बोलूं। परमिशन है सबकी? अगर आप सबकी परमिशन है तब मैं आगे चर्चा शुरू करता हूं, क्योंकि कई बार हमारी चीजें बधी बंध जाती हैं लोगों को खुश करने में। सत्य सुंदर होता है? सत्य कैसा होता है? कई लोग बोलते हैं सत्य कड़वा होता है। कितने लोग मानते हैं सत्य कड़वा होता है? नहीं, आज इस बात को बदल दीजिए। जो सोचते हैं सत्य कड़वा होता है उनसे मेरा अनुरोध है वो अपने इस विचार को बदल ले, क्योंकि सत्य हमेशा सुंदर होता है, मीठा होता है, अच्छा होता है। क्यों मीठा होता है, क्यों सुंदर होता है, क्यों अच्छा होता है? क्योंकि अल्लाह सत्य है, ईश्वर सत्य है, गॉड सत्य है। और गॉड, अल्लाह या ईश्वर कड़वा नहीं है, मीठा है, सुंदर है। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि वास्तव में सत्य के परमिशन दे दिया तो मैं बोलूंगा। और इसे समझिए, लोग धार्मिक सम्मेलन करते हैं और वो सर्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होता है, और वास्तव में लोग धर्म को ही नहीं समझते कि धर्म है क्या। धर्म का मतलब है धारण करना। जैसे चीनी का धर्म है मिठास, नमक का धर्म है नमकीनपन। अगर नमक से नमकीनपन निकाल दिया जाए तो नमक का अस्तित्व तो नहीं रहेगा। इसी प्रकार से अगर चीनी से मिठास निकाल दी जाए तो चीनी का कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं संसार में कुछ हिंदू मुस्लिम बन जाते हैं तो कुछ मुस्लिम घर वापसी हो जाती है, फिर कुछ ईसाई बन जाते हैं तो फिर खुद को बदल करके इधर आ, ये सब क्या है? ये धर्म हो सकता है? धर्म को निकाला नहीं जा सकता। धर्म निकल गया तो फिर हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो धर्म है क्या, हमें ये जानना है। वास्तव में धर्म है क्या? धार्मिक सम्मेलन हो रहे हैं,
लेकिन धर्म की चर्चा है नहीं। वास्तव में धर्म है सेवा, और ये प्रत्येक का धर्म है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति बिना सेवा किए रह ही नहीं सकता। यानी अगर हमारे जीवन से सेवा निकाल दिया जाएगा तो हमारा अस्तित्व नहीं है। वो अलग बात है कि वो सेवा फिर हम शरीर की करें, गाड़ी की करें, घर की करें, समाज की करें, या परम भगवान की करें, उसमें भी चर्चा करेंगे। क्योंकि लोगों को, बहुत से लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि परम भगवान है क्या, कौन है परम भगवान, कितने परम भगवान, एक है, कौन है, क्या है। तो धर्म का मतलब है धारण करना, और वास्तविक हम सब का एक ही धर्म है सेवा। और कैसी सेवा? निष्काम सेवा, जो कि अपने किसी स्वार्थ के वशीभूत न हो, केवल दूसरों को सुख देने के लिए सेवा, दूसरों का कल्याण करने के लिए सेवा। और अगर ऐसी सेवा हम करेंगे तो हमको वास्तविक सुख मिलेगा, वास्तविक आनंद मिलेगा, जिसके लिए हम हर पल कुछ न कुछ कर रहे हैं, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो। पाप और पुण्य दोनों व्यक्ति करता है केवल सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो जानता नहीं है कि वास्तव में सुख है कहां, आनंद है कहां, कहां है आनंद। जब वो जानेगा तो उसको मिलेगा, और वो आनंद है सेवा में, क्योंकि सेवा हमारा धर्म है। और कैसी सेवा? निष्काम सेवा, जिसमें मेरा अपना किसी प्रकार का स्वार्थ न हो, मेरे मन में केवल एक भाव हो कि मेरे द्वारा दूसरों को कैसे सुख मिले, मेरे द्वारा कैसे दूसरों का कल्याण हो। अगर ऐसी सेवा करने को हम तैयार होते हैं तो हम उस असीम आनंद को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको ले सकते हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे अभी भगवद गीता के विषय पर। इस भगवद गीता में 5 विषयों का चर्चा है। पहला विषय है आत्मा, दूसरा विषय है परमात्मा, तीसरा विषय है प्रकृति, चौथा विषय है कर्म, और पांचवा विषय है काल। और ये 5 शब्द ऐसे हैं कि शायद ही किसी कोई ऐसा होगा जिसने ये शब्द सुने होंगे, हर व्यक्ति ने ये 5 शब्द सुने होंगे, लेकिन इन 5 विषयों की गहराई में हम नहीं जा पाए, हमको पता नहीं है। आत्मा का बात होता है, आत्मा क्या आत्मा है, सुने सुनाए शब्दों को रिपीट करते रहते हैं, आत्मा आत्मा अजर अमर है, आत्मा हमेशा से है, हमेशा रहेगी। क्या है आत्मा, कौन है आत्मा? आत्मा का सही ज्ञान न होने के कारण ही आज संसार में लोग पाप कर रहे हैं, लोग गलतियां कर रहे हैं, लोग भूल कर रहे हैं। जिस दिन व्यक्ति का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आत्मा क्या है, उस दिन वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि उसे अपने प्रत्येक कर्म का फल मिलना है इस जीवन में या अगले जीवन में। क्योंकि अगले जीवन किसका होगा, शरीर का पता नहीं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं कि अगले जीवन के विषय में क्या पता, किसका अगला जीवन, कौन अगला जीवन। अगर पूछा जाए बहुत से लोगों का अगला जीवन होता है तो उनका कोई विश्वास नहीं हो, कहते नहीं हमने तो नहीं देखा, तो हमको तो नहीं पता अगला जीवन है कि नहीं है। तो मैं आज आपको अगला जीवन दिखाऊंगा, आज आप समझ पाओगे कि अगला जीवन है। आत्मा क्या है? 2 शब्द है, एक मैं और एक मेरा। मैं से मेरा आता है या मेरा से मैं आता है? बिल्कुल सही, मैं से मेरा आता है। मैं हूं, फिर मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा नाम है, मेरा जिला है, मेरा प्रदेश है, मेरा देश है। और अगर मैं नहीं हूं तो फिर मेरा नाम की चीज नहीं है। तो अभी अगला प्रश्न है, ये शरीर मैं है या शरीर मेरा है? क्या सोचते हैं आप, शरीर मेरा है? अगर शरीर मेरा है तो मैं कौन है? हाँ, बस ये इतनी सी बात जिस दिन सच में समझ में आई, कि मैं बोलने वाली बात नहीं, इसको फील करना है। कैसे इसको समझे? हम लोग बोलते हैं मेरा हाथ है, हम बोलते हैं मेरा सर है, मेरा पैर है, मेरा शरीर है। कोई बोलता है मैं शरीर हूं, हम क्या बोलते हैं? मेरा शरीर। मेरा शरीर का मतलब क्या है? मैं कोई और हूं, ये शरीर अलग। वास्तव में मैं कौन हूं? आत्मा हूं। आत्मा मतलब हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा। अभी बात समझ में आएगी, हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। कौन हमेशा से है, हमेशा रहेगा? आत्मा। अभी आत्मा क्या है उसको आप समझिए। जब आपके घर में किसी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो हमारे घर वाले क्या बोलते हैं? बेटा दादाजी चले गए। तो बेटा प्रश्न पूछ सकता है, कौन चला गया? दादाजी तो लेटे हुए हैं। तो घर वाले बोले, नहीं नहीं बेटा, दादाजी चले गए, दादाजी नहीं है। तो बेटा कहेगा, कहां, दादाजी तो मेरे सामने है, लेटे हुए हैं। लेकिन वास्तविकता में हम बोल सही रहे हैं कि दादाजी चले गए, लेकिन जब तक दादाजी शरीर में थे तब तक शरीर को ही दादाजी मानते रहे, जान ही नहीं पाए कि दादाजी है कौन। दादाजी था
वो आत्मा दादाजी है, वो आत्मा जो थे शरीर में, जो प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे। आप लोग डेली बोलचाल में बोलते हो, आप देखते हो आंखों से, कौन देखता है? मैंने देखा। हम क्या बोलते हैं? मैंने देखा। हम बोलते हैं मैंने सुना, मुंह से मैं बोल रहा हूं ऐसा करो। और फिर जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो आंख भी होता है, मुंह भी होता है, कान होता है, ना देख पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना सुन पाते हैं, कारण मैं नहीं। बिल्कुल सही, यानी मैं चला गया, यानी मैं कौन है? आत्मा। और आज तक आप मैं क्या मानते रहे? शरीर को, शरीर को मैं मान रहे हैं, क्योंकि हमारा सारे कार्यक्रम 24 घंटे हम शरीर को दे रहे हैं। मैं को कितना समय दे रहे हैं? जबकि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है मैं, यानी आत्मा। और उस आत्मा के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। आज आत्मा की चर्चा हो रही है, आज देखो कोई है ही नहीं। और अभी अगर संसार की चर्चा हो जाए, तो फिर अभी अभी थोड़ी देर बाद संसार की चर्चा शुरू होगी, तो शायद पैर रखने को जगह ना हो। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि वास्तव में जो असली ज्ञान है, वो हमें असली सुख दे सकता है। तो जो असली ज्ञान है, उसकी चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में की गई, और वहां बताया गया, भगवान ने अर्जुन को बताया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और जैसा कि प्रभु जी ने प्रभु जी बोले कि क्या पता अगला जन्म है कि नहीं है, तो भगवद गीता में दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, देहनो अस्मिन्नथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्त्रणम भूयति। जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, तरुणावस्था से वृद्धावस्था में अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर इस शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो इस श्लोक में भगवान एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, देहांत। देहांत का मतलब क्या होता है? देह का अंत। आप में से अक्सर लोग बोलते हैं, किसने देखा अगला जन्म क्या है क्या नहीं, कौन होगा अगला जन्म, 84 लाख योनियां बताई जाती हैं, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, किसने देखा? मरने के बाद कोई जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा? अरे मरने की बात छोड़ो, इस जीवन में ही तुम्हारे कई देहांत हो चुके हैं। क्योंकि जब तुम शैशवावस्था में थे, तो तुम्हारी देह कैसी थी? छोटी सी, मां की गोद में थे, स्तनपान करते थे, घुटनू घुटनू चला करते थे। और शैशवावस्था से जब आप बाल्यावस्था में पहुंचे, तो आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपकी देह जो शैशवावस्था वाली देह थी, वो खत्म हो गई, और बाल्यावस्था वाली देह प्राप्त हुई, यानी देह का अंत हो गया, शैशवावस्था वाली देह का अंत हो गया। बाल्यावस्था से आप किशोरावस्था में पहुंचे, तो आपकी बाल्यावस्था वाली देह का अंत हो गया, लेकिन आपका अंत नहीं हुआ। मैं का अंत नहीं हुआ, मैं वही है जो शैशवावस्था में था, जो बाल्यावस्था में था, वही किशोरावस्था में, और वही पूर्णावस्था में पहुंचेगा। और आज पूर्णावस्था में पहुंच करके हम जान रहे हैं कि कल हम वृद्धावस्था में जाएंगे, लेकिन वृद्धावस्था में कौन जाएगा? नहीं, मेरा शरीर, मैं कोई परिवर्तन नहीं है। मैं ना बच्चा था, ना युवा है, ना बूढ़ा होगा। इसीलिए बूढ़ों को अगर बूढ़ा बोला जाए तो बुरा मान जाते हैं, क्योंकि अंदर से बूढ़ा नहीं मानते, वो शरीर से बूढ़े हैं, अंदर से बूढ़े नहीं है। वो वास्तव में वो बूढ़े नहीं, क्योंकि उनका शरीर बूढ़ा है। तो इस जीवन में ही मेरा देहांत हो चुके हैं, इस जीवन में ही हम कई देहांत से निकल चुके हैं। और फाइनली जब देह का अंत होगा, यानी शरीर रहने योग्य नहीं रहेगा, तब इसमें से निकल करके हम दूसरे शरीर को प्राप्त करेंगे। और वो दूसरा शरीर निर्भर करेगा इसी जीवन के कार्यकलापों से, कि आप कैसा जीवन जी रहे हो, उसी के अनुरूप आपको अच्छा या बुरा घर मिलेगा। क्योंकि शरीर ये घर है जिसमें मैं रह रहा है। आप इस संसार में भौतिक जीवन में जो मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, तो क्या करते हैं? जब खूब व्यक्ति अच्छा पैसा कमा लेता है, तो क्या करता है? एक अच्छा सा घर बनाता है, और उस घर में रहता है। तो उसकी मेहनत का परिणाम होता है उसको एक अच्छा घर। सेम इसी प्रकार से आप मन, वचन और शरीर से जो कर्म कर रहे हैं, उनके द्वारा प्रकृति आपके लिए घर की घर तैयार कर रही है, और उस घर में इस मृत्यु होते ही आप उस घर में स्थानांतरित हो जाएंगे। आपके विचार अच्छे हैं तो आपको अच्छा शरीर मिलेगा, आपके विचार बुरे हैं तो आपको बुरा शरीर मिलेगा। अगर विचार आपके पवित्र नहीं है, तो पवित्र शरीर आपको मिलने वाला नहीं है, यानी पवित्र घर आपको नहीं मिलेगा। तो हमको भगवद गीता में शिक्षा मिलती है कि वास्तव में हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और पुनर्जन्म है, अगला जन्म है। बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि अगला जन्म तो नहीं है, हम कैसे माने अगला जन्म है या अगला जन्म नहीं है? तो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, आप सब पर डे एक घटना देख रहे हो संसार में, और
भूतकाल में भी देखते आए हो, वर्तमान में भी देख रहे हो और भविष्य में भी देखते रहोगे। संसार में कुछ लोग धनवान कुल में जन्म ले रहे हैं, कुछ लोग निर्धन कुल में जन्म ले रहे हैं, कुछ सुंदर शरीर के साथ जन्म ले रहे हैं, कुछ कुरूप शरीर के साथ जन्म ले रहे हैं, कुछ उच्च कुल में जन्म ले रहे हैं, कुछ निम्न कुल में जन्म ले रहे हैं, कुछ अच्छी बुद्धि के साथ जन्म ले रहे हैं, कुछ मंद बुद्धि के साथ जन्म ले रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्या यह व्यवस्था किसी सनक के अनुसार है? किस आधार पर यह हो रहा है? कोई बोलना चाहेगा? कौन से कर्म? अच्छा तो पैदा होता जा रहा है अभी, पूर्व जन्म। बिल्कुल, अब मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं। यानी पूर्व जन्म है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्व जन्म नहीं है। पूर्व जन्म का परिणाम आप हो। आज आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो कुल है, आपका जो शरीर है, ये पूर्व जन्म का कर्मों का परिणाम है। और अभी आप जो कर रहे हो ये आपके अगले जन्म का परिणाम होगा। अभी आप जीवन में जो जो किया है, एक शाम को घर पे जाकर एक डायरी बनाना और एक डायरी में लिखना अपने अच्छे कर्म एक तरफ, और एक तरफ लिखना अपने द्वारा बुरे कर्म, और अच्छे बुरे कर्मों की परिभाषा बताने से ज्यादा आसान हो जाएगा आपको लिखना। अच्छे कर्म का मतलब है जो आपने दूसरों की प्रसन्नता के लिए किए, और बुरे कर्म का मतलब है जो आपने अपनी खुशी के लिए किए। अभी कौन सा पन्ना भरने वाला है? मैंने पहले ही परमिशन ले लिया, यहां सत्य बोलूंगा, सत्य सुनूंगा। मनोरंजन न करने आया हूं, ना मनोरंजन की बात करूंगा। मनोरंजन नहीं, हमारा बेड़ा गर्व किया है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति मनोरंजन कर रहा है, आत्मरंजन नहीं कर रहा। आत्म कल्याण होगा अगर आत्मरंजन करेंगे, मनोरंजन करने से तो जीवन बर्बाद होने वाला है और हो रहा है। तो इसलिए हमको मनोरंजन नहीं करना, झूठी तारीफें नहीं करनी। बड़ी स्पष्ट बात रखो, स्पष्ट बात सुनो। हाँ, हम उस स्पष्ट बात को कितना अपने जीवन में उतार पाते हैं, ये व्यक्तिगत साधना का विषय है, व्यक्तिगत सामर्थ्य का विषय है, उसके संस्कारों का विषय है, उसके पूर्व जन्म के कैसे संस्कार है, उसी के अनुसार वो उस साधना में चल पाएगा। तो हम बात कर रहे थे कर्म की, सॉरी आत्मा की। तो हमने संक्षेप में समझा कि वास्तव में हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। दूसरा विषय, भगवद गीता में भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सब जीवों को समझाते हैं परमात्मा। अब ये एक बहुत बड़ा विषय है, परमात्मा। परमात्मा क्या है? कितने परमात्मा है? आप सबसे मेरा पूछना है, परमेश्वर परमात्मा जिसको आप बोलते हैं, जो सब कुछ संचालन कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, वो कितने हैं? एक है। तब झगड़ा फिर किस बात का है? अगर वो एक है तो कौन है एक? इस मामले में हमारे मुस्लिम भाई बड़े स्पष्ट हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है अल्लाह। ईसाई भी, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है गॉड। लेकिन हम सनातन धर्मी सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, बृहस्पतिवार को, आजकल नया शुरू हुआ है साईं बाबा, ये सत्य नहीं है, क्या इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले कुछ और होता था, अभी साईं बाबा शुरू हुआ। शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी, संतोषी माता। तो संतोषी माँ पिक्चर आने के बाद भी शास्त्रों में संतोषी माँ का कोई नाम नहीं, संतोषी मां नाम की कोई चीज वेदों में वर्णन नहीं है, शास्त्रों में कोई नाम नहीं है। ये संतोषी मां जब से पिक्चर आई तब से संतोषी मां शुरू हो गई। वैभव लक्ष्मी है, शास्त्रों में वैभव लक्ष्मी का वर्णन है। शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्यदेव और सोमवार को बेचारे शंकर जी का फिर नंबर आ जाता है। ये हमारी स्थिति, हमें पता ही नहीं है वास्तव में परमात्मा है कौन, परम भगवान कौन है। इसका कारण क्या है, इसकी समस्या क्या है, उसको भी समझिए। शिक्षा एक है, शिक्षा का स्तर अलग अलग। जैसे मैं अभी सत्य बोलने वाला हूं, मुझे तो बुरा लगे वो क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं सत्य बोलूंगा। शिक्षा का स्तर अलग अलग है। कक्षा 2 का स्टूडेंट है, कक्षा 10 का स्टूडेंट है और ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है। तीनों को क्या बोलेगा, तीनों को क्या बोला जाएगा? शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन शिक्षा के स्तर में भेद है। शिक्षा अलग अलग। तो सेम ऐसे ही अगर हम अपने जितने हमारे समाज में जो धर्म है वो सारे के सारे हमको धार्मिक शिक्षाएं दे रहे, वो सब शिक्षा ही है। कुरान में शिक्षा है, बाइबल में शिक्षा है, गीता में शिक्षा है। लेकिन उनको डीप स्वाध्याय करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारे मुस्लिम धर्म में एक मूल धर्म ग्रंथ है कुरान, लेकिन वो लोग इतने सिंसियर हैं एवरी फ्राइडे मस्जिद में जाते हैं,
और समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा, बाइबल ईसाई भाइयों का ग्रंथ है, मूल धर्म ग्रंथ है बाइबल, और वो संडे के संडे प्रयास करते हैं। और हम सनातन धर्मी, हम लोगों का सिलेबस क्या है? 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र, वेदांत संहिताएं, और उसको पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमें याद आती है जन्माष्टमी की जन्माष्टमी, या शिवरात्रि के शिवरात्रि, या नवदुर्गे होते हैं, या गणेश पूजा होती है तब, और हम अपने वेदों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हमारे वेदों में जितना ज्ञान है अक्षर से है, एक एक शब्द बिल्कुल सत्य है और सही है, हम उसे नहीं समझ पा रहे, वो हमारी समस्या है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे वेदों का ज्ञान पूर्ण है। ये जो शंकर भगवान की पूजा है, गणेश जी की पूजा है, जो ये पूजा है, इसका भी कारण है, इसका भी विधान है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा कौन है। और वो परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हमको श्रीमद् भगवद गीता देती है, और भगवद गीता का ज्ञान वास्तव में वही प्राप्त करता है जो भगवान कृष्ण की स्थिति को समझता हो। क्योंकि वक्ता को अगर आप महत्व नहीं दे पाए, तब उसके शब्दों को आप वैल्यू नहीं दे पाओगे। और भगवद गीता का वक्ता कौन है? भगवान कृष्ण। और वो कृष्ण वही है जो यशोदा के लाला है। अभी बात थोड़ी टिपिकल होती जाएगी, समझना मुश्किल होगा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये भगवान कृष्ण का ज्ञान नहीं है, भगवान कृष्ण के अंदर कोई परमात्मा है वो दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं, भगवान के शरीर, भगवान का मन, भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वो एक है, इसीलिए वो परमात्मा है। अगर शरीर, मन और आत्मा अलग अलग हो गया, तब फिर वो परमात्मा हो ही नहीं सकता, वो परमात्मा नहीं है। भगवान के नाम, भगवान का मन, भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा, इनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही है। ये शास्त्रों, वेदों का वचन है, वेदों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। तो परम भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं, जो परम भगवान है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में, शंकर जी बोल रहे हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं, गणेश जी बोल रहे हैं, और समस्त देवी देवता बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, जिनमें प्रमुख देवता 33 है, जिनका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। तो परमात्मा के विषय में बताया गया, परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। और इसको भगवद गीता में ही बोला, भगवान भगवद गीता में खुद बोल रहे हैं। आप देखो, हमको जो कुरान की शिक्षा मिलती है, वो कुरान की शिक्षा हमको किसने दी है? मोहम्मद साहब ने। हमको बाइबल की शिक्षा किसने दी है? जीसस ने। और भगवद गीता की शिक्षा कौन दे रहा है? स्वयं कृष्ण। मोहम्मद साहब जिन्होंने कुरान की शिक्षा दी, वो क्या बोलते हैं? मैं भगवान का पैगंबर हूं, है ना। बाइबल जिसकी शिक्षा हमको जीसस ने दी, वो क्या बोलते हैं? मैं भगवान का पुत्र हूं। और भगवद गीता बोलने वाला क्या बोल रहा है? वो क्या बोल रहा है? भगवान वाचा, मैं भगवान हूं, मैं अल्लाह हूं, मैं गॉड हूं। अभी क्या मुश्किल है समझने? सीधी सीधी बात है, हम सत्य को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? और सत्य बिल्कुल स्पष्ट है, भगवद गीता को आप पढ़ोगे, आपको बिल्कुल स्पष्ट बातें समझ आएंगी। जो लोग भगवद गीता पर विश्वास नहीं करते, उन्होंने भगवद गीता को सही तरीके से पढ़ा और समझा ही नहीं है। गीता एक जागृत ग्रंथ है, उसको अगर आप सही रूप से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप जान पाएंगे कि कितना गहरा ज्ञान है। और ये हमें वो दे सकता है जिसके लिए हम लालायित हैं, हर पल हर क्षण हर समय। हम लोग किसके लिए लालायित हैं हर पल हर समय? आनंद के लिए। प्रत्येक व्यक्ति पापी पाप करता है आनंद के लिए, व्यापारी व्यापार करता है आनंद के लिए, सुख के लिए। प्रत्येक व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है, उसके पीछे गोल एक है, वो एक ही है। शादी कर रहे हैं आनंद के लिए, तलाक ले रहे हैं आनंद के लिए, पुनः विवाह कर रहे हैं आनंद के लिए। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक कार्य किस लिए है? आनंद को प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो आनंद तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि संसार में जहां तुम आनंद ढूंढ रहे हो, वहां आनंद है ही नहीं। आनंद तो केवल भगवद गीता में है, क्योंकि उसे स्वयं आनंद बोल रहा है। भगवान और आनंद पर्यायवाची शब्द है, इनका कोई भेद नहीं है। हम सब आनंद चाहते हैं, मुस्लिम भी आनंद चाहता है, ईसाई भी आनंद चाहता है, हिंदू भी आनंद चाहता है। और आनंद मतलब भगवान, भगवान कृष्ण। और उनको कृष्ण नाम क्यों दिया गया? कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षण, जो प्रत्येक जड़ चेतन सबको आकर्षित कर ले। तो परमात्मा का एक नाम है कृष्ण। वैसे भगवान के सैकड़ों लाखों नाम है, लेकिन उनमें पूर्ण नाम भगवान का अगर बोला जाए, परब्रह्म का, तो वो है श्री कृष्ण, क्योंकि वो सबको आकर्षित करने वाले हैं। जब भगवान इस धराधाम पर प्रकट लीला कर रहे थे, उस समय आप देखते हो कि यमुना जी से लेकर के
और जड़ चेतन सब उनकी ओर आकर्षित थे, गाय मोर सब उनके प्रति आकर्षित थे, समस्त देवी देवता प्रत्येक जन। तो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये भगवद गीता बोल रही है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणा। ईश्वर का मतलब होता है नियंता, और नियंता हम सब हैं, कुछ ना कुछ नियंत्रित कर ही रहे हैं, लेकिन ईश्वर परमा कृष्ण, परम नियंता कौन है? कृष्ण। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह का मतलब है सच्चित आनंद से बना है उनका विग्रह भी शरीर, उनका जो शरीर है वो अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी पांच तत्वों से बनकर नहीं बना, उनका शरीर बना है सच्चित आनंद से। और हम सब आत्मा हैं, आत्मा किससे बनी है? सच्चित आनंद से। इसीलिए आत्मा परमात्मा का अंश है, ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, हम सब परमात्मा के अंश हैं। तो हम सब किससे बने हैं, यानी मैं किससे बना है? सच्चित आनंद से आत्मा, और शरीर हमारा बना है अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी से, पंच तत्वों से, और इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार। मृत्यु होने के बाद भी ये मन बुद्धि अहंकार हमारे साथ जाता है, ये तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक कि हम भगवत धाम वापस नहीं चले जाते। वो लोग धाम वैकुंठ धाम नित्य धाम परम धाम, वहां जब जाएंगे तो न मन रहेगा न बुद्धि रहेगी न अहंकार रहेगा, हम भगवान के पास जा सकते हैं तभी जब ये सूक्ष्म शरीर छूटेगा। इसे मोक्ष बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं। तो खैर अभी हम बात कर रहे हैं परमात्मा की, तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ईश्वर परमा कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह यानी शरीर सच्चित आनंद में है। अनादि आदि गोविंद, जब कुछ नहीं था तब कौन थे? आदि थे, गोविंद थे, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणा, और वो सभी कारणों के कारण। अगर आप संसार में किसी भी चीज के कारण के कारण के कारण का कारण को पकड़ो तो आप परब्रह्म परमात्मा तक पहुंच जाओगे। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं अगर यहां पर आप ईश्वर का उदाहरण ले लो, आप ईश्वर का कारण क्या है? कपड़ा। कपड़े का कारण धागा। धागे का कारण कपास। कपास का कारण कपास का पेड़। कपास के पेड़ का कारण कपास का बीज। और बीज का कारण बीज। और भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं अहम बीज प्रजापति, सारे बीज जो है वो मुझसे उत्पन्न हुए, यानी अब भगवान कृष्ण तक पहुंच गए। और दूसरा उदाहरण ले लीजिए, आप अपने उदाहरण ले लो, आपके कारण कौन है? आपके माता पिता। आपके माता पिता का कारण उनके माता पिता, और माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता को अगर हम देखेंगे तो हमारे विदों के अनुसार हम मनु सतरूपा पर पहुंचेंगे, और मनु सतरूपा के माता पिता कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के माता पिता कौन है? नारायण। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, और हमारी समझ से जितने यहाँ बैठे हैं चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, सबकी नाल से ही उत्पत्ति हुई है, हम लोग नाल से ही आए हैं। तो कहने का तात्पर्य है हम सब भगवान कृष्ण तक पहुंच सकते हैं सारे के सारे, और वो परम भगवान है, और उस परम भगवान को हमें याद करना चाहिए, उसकी सीधी सीधी बातें माननी चाहिए, उसको घुमाना नहीं चाहिए, हम लोग घुमाते बहुत है, घुमाने से बड़ा गड़बड़ होता है। सीधी सीधी बड़ी सरल बात है, सीधी सीधी समझो, सीधा सीधा मानो, सीधा सीधा कल्याण हो गया, वरना शास्त्र में गीता में बहुत कुछ लिखा है, मैं आगे बोलूंगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। तीसरा प्रकृति। प्रकृति का मतलब है स्वभाव, है ना, भगवान की प्रकृति और हमारी प्रकृति, है ना। प्रकृति तीन गुणों से मिलकर के बनी है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, और हम सबका स्वभाव भी किससे बना है? इन्हीं तीन गुणों से, तमो रजो सत्व। तमोगुण रजोगुण सत्वगुण को अगर सरल भाषा में एक्सप्लेन किया जाए तो ऐसे समझ सकते हैं थर्ड क्लास बुद्धि, सेकंड क्लास बुद्धि और फर्स्ट क्लास बुद्धि। अभी थर्ड क्लास बुद्धि रखने वाले के डिसीजन कैसे होंगे? थर्ड क्लास होंगे। सेकंड क्लास बुद्धि रखने वाले के डिसीजन सेकंड क्लास होंगे, और फर्स्ट क्लास बुद्धि रखने वाले के डिसीजन फर्स्ट क्लास होंगे। अभी देखना यह है कि थर्ड क्लास कौन है, सेकंड क्लास कौन है और फर्स्ट क्लास कौन है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। जैसा हमारा भोजन होगा वैसी हमारी बुद्धि होगी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। और केवल अन्न का मतलब जीभ वाला अन्न नहीं, आंख का अन्न, कान का अन्न, नाक का अन्न, स्पर्श इंद्रिय का अन्न, इनसे हम क्या खा रहे हैं, क्या अंदर ले जा रहे हैं, आंखों से क्या अंदर ले जा रहे हैं, कान से क्या अंदर ले जा रहे हैं, स्पर्श से क्या अंदर ले जा रहे हैं,
तो उससे क्या बनेगा? हमारा मन। तो अगर हमारा भोजन पवित्र होगा तो हमारी बुद्धि पवित्र होगी, फिर हम समझ पाएंगे। अगर हमारा भोजन ये है कुछ भी खा लो, जो मिल जाए वो खा लो, कोई विचार नहीं, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, कुछ भी खाओ, लेकिन हमारे वेदों में शिक्षा मिलती है मनुष्य मांस खाने के लिए बनाया ही नहीं गया। मनुष्य की रचना मांस खाने के लिए नहीं है। मांस खाने वाले जीवों की संरचना अलग है। अगर आप देखो जो मांस खाने वाले जीव हैं उनके शरीरों की संरचना देखें तो आप समझ पाएंगे कि मनुष्य मांस खाने के लिए नहीं बना है। आप देख सकते हैं जो मांस खाने वाले जीव हैं उनके नाखून कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, फाड़ सकते हैं मांस को। उनके दांत, दो दांत नुकीले बाहर होते हैं जितने मांस खाने वाले, और उनकी आंख, क्योंकि डाइजेशन तो चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी होगा तो पेट में ही, तो उसकी स्थिति क्या है, मांसाहारी की आंख छोटी होती है जिससे तुरंत आए और जल्दी से निकल जाए, लेकिन शाकाहारी जीवों की आंख बड़ी होती है। आप गाय बकरी जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनका जीव, उनका शरीर संरचना देख सकते हैं। तो हमारा जो शरीर का संरचना है वो कैसा है, मांसाहारी वाला नहीं है, शाकाहारी वाला। तो हम लोग को वास्तव में शाकाहारी भोजन करना चाहिए। शाकाहारी भोजन आपको सही दिशा देगा। और शाकाहारी में भी सब कुछ शाकाहारी नहीं कर सकते, उस शाकाहारी भोजन में भी ग्रेड है, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, जिसमें प्याज लहसुन को शाकाहारी में भी तमोगुणी बोला गया, यानी थर्ड क्लास की कैटेगरी है। प्रत्येक चीज की कैटेगरी होती है, अच्छे में भी कैटेगरियां हो जाती है कि ये अच्छा है, लेकिन अच्छे में भी इसका फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है ना।